नमस्कार वेद प्रकाश जी, बस इतना मैसेज हम आपको देना चाहेंगे, ये जो आप सस्ती लोकप्रियता के लिए पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं ये काम नहीं आएगा। और जिस तरीके से हरिजन एक्ट हम पर लगाने का आप कोशिश किए हैं, तो हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है वेद प्रकाश जी कि दोगली नीति आपकी समझ में हमको नहीं आती है। बुद्ध धर्म में हरिजन सवर्ण होता कहां है, किसी बताइए कि इसको दोगलैये न कहेंगे। बुद्धिस्ट कभी सवर्ण और दलित होता है? बुद्ध धर्म में सवर्ण और दलित के लिए कोई स्थान है और हरिजन के लिए? ये अपने आप कहते हैं कि हम बुद्ध धर्म को मानते हैं, तो बुद्ध धर्म का लोग एससी एसटी एक्ट कैसे लगाएगा? और पुलिस को मना करना चाहिए था कि आप अगर बुद्ध धर्म को मानते हैं, हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते हैं, तो आप दलित महादलित में नहीं आते हैं। गलत तरीके का बयानबाजी और पत्रकारिता, हमने एक जगह भी आपके किसी भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। आप हर जगह जाति का उपयोग करते हैं। मेरा पूरा कंटेंट लाइव है, डिलीट नहीं हुआ है, आपके पास है, पुलिस को दीजिए और पुलिस वेरिफिकेशन करे कि जब हमने नाम ही नहीं लिया है हरिजन का, जब हमने उनकी जाति का नाम ही नहीं लिया। मुझे तो आज तक नहीं पता कि उनकी जाति क्या है, जाति पूछकर हम आज तक कभी काम ही नहीं किए हैं। तो ये जो प्रोपोगेंडा आप किए हैं और गलत तरीके का एफआईआर मेरे ऊपर दर्ज कराया है, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर हम बोल रहे हैं और इसको चेतावनी समझ के रखिए, अगर गलत तरीके का एक्ट मेरे ऊपर एक भी लगा तो हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका और आपके लोगों का उसके बाद क्या होगा बिहार में, उसका आप जिम्मेदारी पुलिस को दे दीजिए। क्योंकि पुलिस अगर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करेगी तो आप बिहार को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अकेले हम नहीं है एससी एसटी एक्ट के जिसे हम फरी तरीके से लगाया गया है, पूरा बिहार झेल रहा है। और ये आज जो मौका है, ये आप ज्वालामुखी को फोड़ देंगे और फटने से रोक भी नहीं पाएंगे। आज समाज का मूड थोड़ा दूसरे तरीके का है, उतना दिन से लोग सह रहा था और अब हम तो नहीं सहेंगे उसके बाद। बात समझ लीजिए कि उसके बाद एससी एसटी एक्ट का लेना देना सरकार तक पहुंच जाएगा, फिर कोई अध्यादेश फिर काम नहीं आएगा। अगर फर्जी तरीके से बिना जानकारी के, बिना इन्वेस्टिगेशन के अगर किसी पर एक्ट लगाया गया, तो पहुंचा दीजिएगा बात कि अगर गलत तरीके से हमने आज तक किसी का जाति पूछकर कोई काम नहीं किया है और बुद्ध धर्म में जाति होता नहीं है, तो आप अगर गलत तरीके से मेरे ऊपर गलत एफआईआर लिखवाते हैं और पुलिस सब कुछ देखते हुए वीडियो में बिना इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर ले लेती है, तो फिर आप बिहार को बारूद के ढेर पर रख के सिगरेट पीने का काम कर रहे हैं। आप समझिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है पटना में या बिहार के हर कोने में, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन लेगी अपने ऊपर। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि ठीक है, मेरे ऊपर जो एक्ट लग सकता है, मैंने कहीं पर भी ना मारने की बात की है इनको, ना कहीं पर भी हमने इनको जानलेवा हमला करने का कोई भी दृश्य देखा है, लेकिन इस तरीके का सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए हमारा नाम का उपयोग करना और उसके बाद गलत तरीके का एफआईआर दर्ज करवाना, यह भारी पड़ जाएगा सभी पर। क्योंकि जितना आप आज हमको जान रहे हो, उतना अभी जान नहीं पाए चाहे कोई भी हो। मेरे बारे में थोड़ा डीपली इंफॉर्मेशन निकालिएगा, बहुत दिक्कत में आ जाएगा, हम आपको फिर बता रहे हैं। पत्रकारिता तो दूर का बात, बिहार छोड़ना पड़ जाएगा वेद प्रकाश जी, बिहार। बस इतना ही कहेंगे कि बिहार पुलिस और बिहार सरकार निष्पक्ष रूप से इस पर जांच करें, हर चीज को देखते हुए तभी एफआईआर के ऊपर कोई तरह का डायरी मेंटेन करें, अन्यथा अगर एक पक्षीय और पक्षपात हुआ तो भगवान मालिक है उसके बाद क्या होगा। आपको लग रहा होगा कि सवर्ण समाज में एकता नहीं है, हिंदुओं में एकता नहीं है, कोई नहीं आएगा आगे, सब बेटी रोटी देखेगा, तो ये भी भ्रम दूर हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि माहौल बिगड़ने में देर नहीं लगेगा। आप यही तो चाह रहे थे ना अपने पत्रकारिता से कि माहौल बिगड़ जाए, 90 के दशक में दोबारा से बिहार को ले जाना चाह रहे हैं ना, तो ठीक है, आप अपनी पहल जारी रखिए। हम तो उतना दिन से कोशिश किए कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जो एफआईआर का इंफॉर्मेशन मेरे पास आया है कि हम पर एससी एसटी और दलित एक्ट लगाया गया है, ये भारी पड़ जाएगा।